1976 में स्कॉटलैंड के शहर एबरडीन से 190 किलोमीटर दूर समुद्र में एक ऑयल रेग है जिसे हम पाइपर अल्फा के नाम से जानते हैं। इसकी कामयाबी देखकर लिक्विड पेट्रोल गैस का काम भी जारी कर दिया, लेकिन इस पाइपर अल्फा में कुछ फॉल्ट होने की वजह से 9:55 पर कंट्रोल अलार्म बजा। ये अलार्म सिग्नल दे रहा था कहीं गैस लीकेज हो रही है। कुछ टाइम बाद सारे अलर्ट अलार्म बजने लगे। 10:20 पर एक धमाका हुआ। 1988 में ऑयल रेग में ऐसा धमाका हुआ, पूरा ऑयल रेग समुद्र में समा गया।